लालू जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, और नीतीश कुमार जी के उसी पेट के दांत से अपने पुत्र को हबकबा दिए ना। विकास की बात जब जब नीतीश कुमार जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे तो उनको बहुत गुस्सा आता, लेकिन वहां जाकर उससे मिले जिसके खिलाफ यानी आरजेडी के खिलाफ हमेशा नीतीश जी लड़ते रहे, आरजेडी के उस आतंक राज से, उस गुंडा राज से बिहार की जनता मुक्ति चाहती थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके जनता के हित की लड़ाई लड़ रही थी, और नीतीश कुमार जी को साथ लेकर मुख्यमंत्री नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि अपमानित, और जब आरजेडी के खिलाफ संघर्ष हो रहा था और आज सत्ता के इतने लोभी होंगे, इतने सत्ता के प्रति उनका आकर्षण होगा बिहार की जनता जानती तो उनको निश्चित रूप से पहले ही सबक सिखा देती। और बीजेपी हमेशा विकास की बात करती रही है, भारतीय जनता पार्टी हिमालय की तरह अडिग है और पवित्र है, बिहार की जनता के हित की लड़ाई हमेशा लड़ी है, आगे भी लड़ेगी। अभी भी सरकार में विकास की बात जब जब नीतीश कुमार जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे तो उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। जब कहा गया कि बालू सस्ती होनी चाहिए, मजदूरों से जुड़ा हुआ है, राजमिस्त्री से जुड़ा हुआ है, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लाख लोगों का घर बन रहा है, छोटे छोटे उद्योग करने वाले, छोटे छोटे दुकानदार की दुकानदारी, हार्डवेयर की दुकान चल रही है, लेकिन वह नहीं सुनते थे, बोलते थे कि बालू सस्ती नहीं होगी, आप लोग बर्दाश्त कर रहे थे और समझा रहे थे। और हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के काम की, जब देश का 75वां आज़ादी का वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, और जब यह कहा गया पथ निर्माण मंत्री जी के द्वारा कि हम बिहार के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों को, हम महापुरुषों को याद करेंगे, उनके गांव को चिन्हित करके हम वहां अच्छी सड़क हम वहां बनाएंगे, तो उनको गुस्सा आता था। जब उनको यह कहा जाता था कि हम यहां घने वन लगाएंगे, जब वन मंत्री बोलते थे और उसका नामकरण हम महापुरुषों के नाम पर करेंगे, तो उनको गुस्सा आता था। जब उनको कहा जाता था कि स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री करना चाहते हैं, तो उनको उस पर गुस्सा आता था। कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में लोगों की सेवा के लिए निकले, उसमें उनको गुस्सा आता था। एक सांसद जब इनके क्वारंटाइन सेंटर पर जब घोटाला होने लगा, क्वारंटाइन सेंटर पर जो बाहर से आने वाले मजदूरों को रखा जाने लगा, उनको अच्छी व्यवस्था नहीं की गई खाने पीने की और अल्पाहार की व्यवस्था नहीं की गई, तो एक सांसद जब अपने क्षेत्र में 100 क्विंटल चना और 50 क्विंटल जब गुड़ दिए तो उन्होंने मना कर दिया, तो जाकर किसी तरह से उसको क्वारंटाइन सेंटर पर जब वह सांसद जिद पे आ रहा तो भेजा। यहाँ आप देखिए, जब जनप्रतिनिधियों की अधिकार की बात आई, जब पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अब बीच का समय है, जब नीतीश कुमार जी अफसरों को जनप्रतिनिधियों का अधिकार देना चाहते थे, तो उस समय हमारे पंचायती राज मंत्री को रोका गया कि नहीं, यह अधिकार अफसरों को दे दीजिए, लोकतंत्र में अफसरशाही नहीं चलेगी। पंचायती राज मंत्री ने अपने जिद से पंचायती राज के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया, और पंचायती राज को किस प्रकार से पंचायती राज मंत्री ने मजबूत किया है, यह देखने की बात है। जब यहाँ के संस्कृति और पर्यटन मंत्री कहे कि हम माँ जानकी के स्थान को हम और प्रसिद्धि दिलाएंगे,
हम उसका अच्छा विकास करेंगे। तो नीतीश जी को गुस्सा आता था जब योगी जी ने अच्छी सड़क लेकर अयोध्या से लेकर जब माँ जानकी के जन्म स्थान तक जब लाने की बात किए उस पर उनको गुस्सा आता था, भाई हर बात पर गुस्सा। जब कहा गया कि शराबबंदी जरूरी है लेकिन आपके थानेदार के नेतृत्व में शराब का अवैध कारखाना चलता है और सारे अवैध कारखाना आरजेडी के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है, आपके थाने के संरक्षण में चल रहा है, इसकी जानकारी देने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब इतनी खामियां थी क्यों नहीं बर्दाश्त कैसे कर रहे थे आप लोग? बराबर उनको समझाया जा रहा था। जनता ने नीतीश जी के साथ सरकार बनाने की सहमति दी थी, मतदान किया था, इसलिए हम उनको समझाते रहे, जनता का आदर करते रहे। लेकिन जनता का अनादर किसने किया? नीतीश जी ने किया। सत्ता के लोभी तेजस्वी जी को कहते थे ना, लालू जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है और नीतीश कुमार जी के उसी पेट के दांत से अपने पुत्र को हबकवा दिए ना, जनता हिसाब करेगी। बिहार का जो आज विकास हो रहा है वह केंद्र के अधिकांश योजनाओं से विकास हो रहा है, केंद्र के पैसों से हो रहा है। तो आज जनता चुकी उस समय स्वीकृति दी थी 2025 तक इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश दी थी, उस जनादेश का सम्मान हम कर रहे थे, हमने कोई धोखा नहीं दिया है। लेकिन हमने विकास के लिए जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने हमारे नेताओं ने जब जब बात आई तब तक नीतीश जी के सामने जनता के हित की बात कही है, उनको यह नागवार गुजरता था। तो आज हमारे सारे मंत्रियों ने जब यह कहा गया विधि मंत्री के द्वारा कि भाई आप परिवर्तन कीजिए सभी विधि से संबंधित उस सारे समितियों पे, आज आरजेडी के लोग विराजमान हैं, तो उन्होंने वहाँ विधि मंत्री की बात नहीं मानी। आज क्या है, आज है जब हमारे श्रम मंत्री उनसे कहे कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है, हम श्रमयोगी का सम्मान करेंगे, उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें भी नहीं सुनते थे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहादुर मंत्री साथियों ने नीतीश जी के सामने अड़ कर जिद कर अडिग रहकर जितना हो सका है विकास किया है, जनता के हित से समझौता नहीं किया है और कभी भी जनता के अहित भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार वासियों को वचन देती है कि हम बिहार वासियों के विकास के लिए, उनके हित के लिए सड़क पर हमको संघर्ष करना पड़े, दिन रात चलना पड़े, 24 घंटा 365 दिन काम करना पड़े, हम करेंगे बिहार के हित में, बिहार की जनता के विकास के हित में, बिहार की मर्यादा के हित में, बिहार के वैभव के मित्र में, बिहार के भविष्य के मित्र में। आप देखिए आज पूरे बिहार से पलायन क्यों होता रहा, इसलिए कि यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे। आज जब उद्योग मंत्री जी ने जब यहाँ उद्योग धंधा लगाने का काम शुरू हुआ, पूरा भारत को यह विश्वास जगा कि अब हम बिहार में उद्योग लगाएंगे, लगा सकते हैं, लोग आगे बढ़े, तो तेजस्वी जी से समझौता कर यहाँ बेरोजगार दूर करने का जो एक रास्ता बना था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उस पर भी कुठाराघात नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी से समझौता कर किया है। अब आगे की तो आज हमारी रणनीति है बिहार की जनता के हित, उसका विकास, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा पूरे देश के गांव-गांव में बह रही है, वह विकास की गंगा भी बिहार में हम बहाते रहेंगे और रोकने की जो कोशिश करेगा हम उसका कड़ा मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे। और नरेंद्र मोदी जी के नाम और नरेंद्र मोदी जी के काम बिहार वासियों के हृदय में है, बिहार वासियों के हृदय में नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के हृदय में बिहार वासी, उसके बल पर हम बिहार का विकास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।
अगर रहुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।